परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें थामे रहता है। आप सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और हम सब इस समय के लिए धन्यवाद करें और आज की शाम के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमने ये शाम का समय देखा। और परमेश्वर को हम दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवाद करें। आज हम आपके परिवारों के लिए परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और सच में आप अपने विश्वास को प्रभु पर रखें और आप सब मिलकर मेरे साथ में प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने हमें बताया कि उनकी आंतों में सूजन आ गया था जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। परंतु उन्होंने बताया कि जब मैंने लगातार प्रार्थना सुना और प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई तो अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, अब उनकी आंतों में कोई भी सूजन नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 37 और उसके 24 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसका हाथ थाम लेता है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर एक धर्मी जन की बात हो रही है कि हर एक धर्मी जन जब गिरता है तो वो हमेशा गिरा न रहेगा, परमेश्वर उसे उठा लेगा और फिर से उसे खड़ा करेगा। परमेश्वर उसे गिरने न देगा, परमेश्वर उसे थाम लेगा, उसके पैरों को परमेश्वर स्थिर करेगा, उसके हाथों को परमेश्वर थाम लेगा। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे कभी भी गिरने नहीं देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे थाम लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं। हम पतरस के जीवन में एक बार देखते हैं। पतरस और अन्य चेले नाव पर थे झील में और आगे से यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। जब पतरस ने पहचाना ये तो यीशु मसीह है, तब पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे पास आ जाऊं? तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ आ जा। तो पतरस ने नाव से अपने कदमों को उठाया और पानी पर चलने लगा, परंतु कुछ समय बाद वो पानी में डूबने लगा। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को थाम लिया, पतरस के हाथों को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया और उसे पानी में डूबने न दिया, उसे गिरने न दिया, उसे प्रभु यीशु मसीह ने संभाल लिया और फिर उसे नाव पर लेकर के आए। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को गिरने नहीं दिया क्योंकि पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, क्योंकि पतरस एक धर्मी जन है, इसलिए परमेश्वर ने उसे गिरने नहीं दिया क्योंकि पतरस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। मेरे प्रियो, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कुछ इसी प्रकार से कहता है कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे हाथों को थाम लूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में हो सकता है ऐसी परिस्थिति आई हो जब आप गिर गए हो, जब आप पाप में गिर गए हो या फिर अन्य बातों में आप गिर गए हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे गिरने न दूंगा, मैं फिर से तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तेरे हाथ को थाम लूंगा क्योंकि तू मेरा प्रियजन है, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, इसलिए प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे। भविष्य में भी यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे, प्रभु आपको संभाल लेंगे क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं, क्योंकि आप उसके प्रिय जन हैं, इसलिए वो आपको गिरने न देगा। किसी भी परिस्थिति में वो आपको गिरने न देगा, हर एक परिस्थिति में वो आपको उठा लेगा, थाम लेगा, संभाल लेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा, मेरे पिता, हमारे जीवन के सुंदर उद्धारक प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप अविनाशी अगम्य ज्योति हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके पवित्र पवित्र अति पवित्र नाम की महिमा तारीफ और बड़ाई करते प्रभु। आज की शाम में हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर आपकी तारीफ करते प्रभु, आपकी तारीफ करते अपने जीवन
जीवनों के लिए पिता कि आपने हमें बनाया प्रभु, धन्यवाद करते आपने हमें सृजा प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, धन्यवाद आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए यीशु राजा, हम आपकी महिमा करते प्रभु। मेरे पिता जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे साथ शामिल है पिता, आप उन सबको ब्लेस करें और आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में बनी रहे। हालेलुया प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर तेरी तारीफ करते प्रभु कि सच में मेरे पिता तू कितना भला है, तू अनुग्रहकारी है और तू हमसे अगापे प्रेम करने वाला पिता है। लॉर्ड सच में आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, इस बात के लिए हम आभारी हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें सत्य का आत्मा दिया है जो हमें सही डायरेक्शन में सही बातों को बताता है। धन्यवाद करते होली स्पिरिट कि आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम में हम धन्यवाद करते हैं पिता, सच में आज की शाम में प्रभु हमारे कानों ने आपके जीवित वचन को सुना और हमारे हृदय ने प्रभु, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर प्रभु वो वचन लिखा गया है। हाँ परमेश्वर, इस वचन को हमने जो सुना है इसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें परमेश्वर, इसमें हम अमल करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमने आपके वचन को सुना कि चाहे वो गिर भी जाएं तो भी वे पड़े न रह जाएंगे क्योंकि परमेश्वर अपने हाथ से उन्हें थामे रहता है। हालेलुया, सच में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में आप अपने लोगों को गिरने नहीं देते परमेश्वर, अगर वो गिर भी जाएं तो भी आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर उन्हें थामे रहते हैं और प्रभु उन्हें संभालते हैं और उनके पैरों को स्थिर करते हैं। हाँ प्रभु, हम आपकी निज प्रजा हैं प्रभु, आप अपनी पवित्र प्रजा को पिता परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामते हैं, अपने बेटे बेटियों को आप गिरने नहीं देते। हाँ परमेश्वर मेरे प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, यदि अपने जीवन में पिता किसी भी गलत काम में पड़े हैं पिता, पाप में पड़े हैं पिता परमेश्वर, समस्याओं में पड़े हैं पिता, हम दुआ करते पिता कि आप इन्हें उनसे उठाइए प्रभु, जिस प्रकार आपने पतरस जो पानी में गिर गया था प्रभु अपने हाथ से आपने उसे थाम लिया और उसे बचाया प्रभु, उसी प्रकार मेरे यीशु मसीह इन भाई बहनों को जो मुसीबत संकट पाप में पड़े हैं पिता, आप उन्हें अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें थाम लीजिए प्रभु और उन्हें फेर लाइए प्रभु, हर एक गलत काम से, हर एक गलत बातों से प्रभु जी पाप से आप इन्हें फेर लाइए और इनके जीवन को आप सवारे, इनके पैरों को स्थिर करें परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों के लिए। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, यदि आप भी अपने परिवार के साथ में इस समय प्रार्थना में बैठे हैं तो मेरे साथ मिलकर आप सब प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए आप प्रार्थना करें। सभी लोग जब आप बैठे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने पारिवारिक समस्याओं को, जिस भी समस्या से आज आपका परिवार जूझ रहा है मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा और बढ़ाई परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रभु, आज की शाम में हम इन भाई बहनों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार में हर एक जन को पिता आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्यारे प्रभु, आपका अनुग्रह आपकी दया करुणा भलाई इनके परिवारों में इनके जीवनों में आए प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, सुख शांति इनके परिवारों में आए मेरे प्रभु, आपकी बरकत इनके परिवारों में आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं पिता, कलेश रहता है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु के नाम से इनके परिवारों से लड़ाई झगड़ा कलेश मन मुटाव बैर भाव दोष भावना यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं। यदि आपके परिवार में मन मुटाव है तो आप कहें यीशु के नाम से हमारे परिवार से मन मुटाव निकलकर चला जाए। यदि मेल मिलाप की कमी है तो आप कहें प्रभु हमारे परिवार में मेल मिलाप दें। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश निरंतर होता है तो मेरे साथ मिलकर कहें प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार के कलेशों को दूर कर दिया है, हमारे परिवार में आपने प्रेम को दे दिया है, हमारे जो रिश्तों में गड़बड़ियां हैं उन रिश्तों की गड़बड़ियों को आपने दूर कर दिया है। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह, परिवार में हर एक जो समस्या से ये जूझ रहे हैं, यदि इनका परिवार कर्जों में डूबा है, कर्ज से उन्हें आप बाहर निकाले पिता, यदि इनका परिवार परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा संकटों में है पिता, इनके परिवारों को आप संकटों से बाहर निकाले। यदि पिता बीमारियों में प्रभु इनका परिवार ग्रसित है पिता, यीशु के नाम से हर एक जन जो परिवार में बीमार है आप सब मिलकर उस पर हाथ रखें, आपके परिवार में जो बीमार है उस पर आप हाथ रखें मेरे प्रभु यीशु। जब इन्होंने अपने परिवार के जन पर हाथ रखा है पिता, आप इन्हें छू कर चंगा करें। आपका वचन कहता है कि अपने हाथ को बढ़ाकर तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। हालेलुया प्रभु, आप उन्हें छू ले और चंगा करें प्रभु, इनके पारिवारिक हर एक समस्या को आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। परिवार में आने वाली आर्थिक तंगियां, परिवार में आने वाले
हर एक घटी कमियां, परिवार में आने वाले हर एक लड़ाई झगड़े, मेरे परिवार में लोगों का स्वभाव जो प्रभु बदला हुआ है, लड़ाई झगड़े बैर भाव पिता यीशु के नाम से इनके परिवारों से निकल कर चले जाए। आज आशीषित करें आप इनके परिवार को। आज आप कहें प्रभु आशीषित है हमारा परिवार, आशीषित है हमारे परिवार के लोग। मेरे साथ मिलकर कहें अपनी आशीषों को अपने परिवार में ले लीजिए, रिसीव करें अपनी आशीषों को। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं प्रभु, मेरे पिता यदि प्रभु कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स प्रभु इनके जीवन में है जो इन्होंने प्रार्थना निवेदनों के द्वारा दिया है, प्रभु यीशु आप जानते हैं आप उनके जीवन में हर एक परेशानियों को दूर करें और इनके जीवन में सॉल्यूशंस को दें। प्रभु जो हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में प्रभु अपने निवेदन भेजते प्रभु, हम उन सब निवेदनों को आपके हाथों में देते प्रभु कि आप उन्हें जानते, आप उनके निवेदनों को जानते, आप उनके जीवन की समस्याओं को जानते हैं मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करके आप उनके जीवन में आशीष दें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज की रात में विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जो भाई बहन डरते हैं पिता, घबराते हैं, बुरे सपने जिन्हें आते हैं, हर एक डर यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से चला जाए, हर एक फोबिया इनके जीवन से चला जाए, हर एक बुरे सपने इनके जीवनों से नष्ट होने पाए, हर एक नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन से नष्ट होने पाए प्रभु। आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आप सबको सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो चिंता में सो नहीं पाते हैं, वे बीमारियों में हैं वो सो नहीं पाते, आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु। आज की शाम में जो बीमार है पिता, बीमारी की अवस्था में बिस्तरों में पड़े हैं पिता, बच्चे जो बीमार है, नौजवान जो बीमार है, बुजुर्ग जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है, वेंटिलेटर में है, डायलिसिस में है, कीमोथेरेपीज में चल रहे प्रभु, हम दुआ करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप सबकी सुधि लें प्रभु, आप सब पर दया करें प्रभु, आप उनके सुधि लीजिए इनके बीमारी की अवस्था में प्रभु, आप एकमात्र सहारा है प्रभु। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते प्रभु, परंतु हम जानते हैं तू जीवित डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर। इन भाई बहनों की सुधि लीजिए प्रभु, इनकी बीमारियों को यीशु के नाम से हम कहते हैं इनके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। आप बीमार हैं तो मेरे साथ मिलकर उस बीमारी के नाम को कहें, निकल जा मेरे शरीर से, दर्द निकल जा मेरे शरीर से। आपके बच्चे यदि बीमार है तो अपने बच्चों की बीमारी को आज्ञा दे कि निकल जाओ मेरे बच्चे के शरीर के, शरीर को छोड़कर। जो बुजुर्ग बीमार है वो कहें हमारे शरीर से हर एक बीमारी निकल कर चली जाए। हालेलुया, प्रभु छू ले प्रभु, हम कहते प्रभु इनकी हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए प्रभु। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, भला चंगा रखें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छू लिया और इनके बीच में से रोगों को आपने नष्ट किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम को हम आपके हाथों में देते, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को आपके राज्य में बोया है, अपने दान को दिया है प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में अपरंपार आशीषें दें, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, किसी भी वस्तु की घटी कमी उन्हें ना होने पाए पर पिता, परंतु पिता आप उनके जीवनों में आशीषों की बरकत करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में निरंतर सुबह शाम की प्रार्थना में बने हुए हैं और आप हमें जो निवेदन दे रहे हैं उस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी टीम मिलकर आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आज की शाम में आपको आशीष दे। जय मसीह की।